बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश और अमन रखे, परेशानियों से दूर रखे और मौलियों से महफूज रखे। आमीन सुमा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा रिकॉर्डर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी प्यारी बेटी माशाल्लाह बोल तो लेती है ना कॉन्फिडेंस के साथ। आप तो आपकी तरह तो नहीं ना करती ना। आपने कल सारे वीडियो मुंह नीचे करके बनवाई है। कल मैंने कहा तुम्हारे पापा के साथ वीडियो बनाई है तो सारा टाइम इन्होंने मुंह नीचे करके वो चने साफ किए। ठीक हो गया। हाँ जी, महक फातिमा आगे कुछ बोलोगी आप, फिर मैं भी बोलूँ। महक फातिमा इस वक्त जाने लगी है ट्यूशन। ट्यूशन का टाइम हो गया तो ये पीछे इसके सोया हुआ हैदर जो बहुत बेईमान है। जैसे ट्यूशन का टाइम होता है तो ये सो जाता है। उठो जी बाजी। अवैस उठो, टाइम हो गया। अवैस हैदर उठो, उठो काका भाई। ना इसको सुपारा पढ़ने का शौक है, ना इसको स्कूल पढ़ने का शौक है। अभी इसका स्कूल भी चेंज करवाया, इसको पिप्स में करवा दिया तो फिर भी ना। वैसे भी स्कूल ओपन नहीं हुए लेकिन यह है कि ट्यूशन तो जाता ही है पर बहुत तंग करते हैं। बस दुआ करें अल्लाह। अगले दिन क्या बोल रहा था शाहजेब ने कहा ना कि हैदर आओ पढ़े कुरान पाक, तो कहता है मैं कुरान पाक पढ़ना छोड़ देता है। कहता मैं पढ़ना छोड़ देता है तो पंजाबी बोलता ठोस। ओए पंजाबी मुंडे उठो, हैदर हैदरी अवैस उठो जी मेरा प्यारा बेटा, उठो शाबाश। देखना अभी ड्रामे करेगा, ड्रामे करेगा। देखा नहीं नहीं उठो उठो, तेरी वीडियो बन रही है इधर। ओ देखो वीडियो आपकी बनते नहीं। पीछू ये 100 के वाली बाकी की वीडियो आप लोगों के साथ मम्मा पापा बनाएंगे। मैं जा रही हूँ ट्यूशन। मेरी ट्यूशन आने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल अकाउंट के बटन को दबा दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। ठीक है जी। महक फातिमा तो जा रही है ट्यूशन और महक के पापा अभी अभी लेके आए हैं सब्जी। आज हम बनाएंगे आलू गोभी। तो ये देखें, ये मैं के पापा ने ना पौधा ला के रखा है कहीं से, बड़ा खूबसूरत। इसे पता नहीं, मैंने सुना है कि डॉलर प्लांट कहते हैं। तो अभी मैंने रखा दूध उबलने के लिए, तो दूध उबल जाता है तो उसके बाद फिर हम कुकिंग करते हैं और साथ साथ बातें भी करते हैं। आज मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, तो वो भी आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ रहिएगा। देखिए मैंने सब्जी वगैरह काट के रख ली। आज हम बना रहे हैं आलू गोभी। तो ये सारे मसाले मैंने, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, धनिया और ये नमक मिर्च वाला डब्बे, ऑयल, हांडी, सारा कुछ मैंने अरेंज कर लिया है। तो मैं कि पापा आ गए मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए। देखिए एक बंदे ने कुक करना होता है ना तो एक ने वीडियो बनानी होती है। अब एक बंदा वीडियो बनाते हुए कुकिंग तो नहीं कर सकता ना, तो ये अब वीडियो भी नहीं बना सकते तो फिर कुकिंग तो इन्हें करनी पड़ेगी ना। मुनासिब से डालना, समझ के डालना। हो सकता है महक आए जाए क्योंकि सब्जी बनाते बनाते लेट हो गई। मैं मेरे कस्टमर आ गए थे। ठीक है नहीं और डालें थोड़ा सा। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चलें महक आ गई। माशाल्लाह आ गई आज मेरी प्यारी बेटी। चलें जी महक आ गई। चलो बैग रखो अपना जल्दी जल्दी। तो आज कुकिंग आपके लिए छोड़ी हुई है हमने। चलें आपकी जान छूट गई है और ना आपको आज हांडी बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा प्याज डाल लें, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए ना। चलो आओ खा दो जी। तो व्यूअर्स मेरी, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आप लोगों के साथ ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो वो ये है कि ये मेरी भी ज़िंदगी का बिल्कुल पहला तजर्बा है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है। मेरी ना 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट आई है। आपको पता है कि मेरा सैलून है, तो 2-3 दिन पहले मेरी ना 2 नई स्टूडेंट्स आई हैं। वो दोनों सिस्टर्स हैं। तो एक उनमें से जो है ना वो बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। तो उसको जो कहा जाता है वो अल्फाज मैं यूज़ नहीं करनी चाहूँगी क्योंकि वो इतनी प्यारी लड़की है, इतनी प्यारी बच्ची है। मेरा इतना दिल खुश हुआ है उससे। आप यकीन करें कि वो इतने अच्छे तरीके से काम करके आ रही है जो मैं उसे देती हूँ। इतने अच्छे तरीके से वो समझ रही है कि उसने मुझे हैरान करके रख दिया।
हालांकि जो दूसरी उसकी सिस्टर आ रही है साथ, वो भी अच्छी समझदार बच्ची है, लेकिन जिस तरीके से वो पिक कर रही है, मैं कसम से हैरान रह गई हूँ। और ये मेरे लिए, मैं समझती हूँ कि बड़ी एजाज़ की बात है कि इस तरह की लड़की को काम सिखाने का मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिए। आप यकीन करें कि जब वो मेरे पास आई है ना उनकी मदर छोड़ने के लिए, तो मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये मलाल नहीं आया कि मैं इसको कैसे सिखाऊंगी, ज़रा भी मेरे जहन में बात नहीं आई ना, एकदम मेरे जहन ने एक्सेप्ट किया उसे। मैंने कहा ठीक है मैं सिखाऊंगी, क्योंकि एक तो उसकी सिस्टर भी साथ थी, तो शायद मेरे जहन में ये भी था कि चलो मतलब जो चीज़ मैं इसे नहीं समझा पाऊंगी वो ये समझा देगी। तो अभी मुझे उसकी लैंग्वेज तो समझ नहीं आती, मतलब मैं कुछ समझ तो लेती हूँ जो वो इशारे करती है, मगर मुझे इशारों में उसे बताना नहीं आता अभी। लेकिन माशाल्लाह उसकी इतनी अच्छी पिक पावर है, इतने अच्छे से चीज़ों को पिक कर रही है कि उसने मुझे हैरान करके रख दिया। लड़कियों को ना सबसे मुश्किल काम लगता है सैलून में से आईब्रो करना। तो वो जब पहले दिन आई है ना, तो जो मेरी उनसे पहले वाले स्टूडेंट है वो भी उन्हीं की कज़न है, तो उसने ना उसी के ऊपर, वो जो लड़की बोल नहीं सकती ना, उसी पे उसने कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैं ना इसकी आईब्रो बनाती हूँ। तो जिस जिस तरीके से उसने आईब्रो बनाई है महक, तो वो दूसरे दिन आके मुझे पूरा बता रहे थे कि यहाँ से इसने कटिंग की है, फिर इस तरफ से इतना आर्च बनाया, यहाँ से ऐसे किया और यहाँ से ऐसे किया। वो पूरा उसकी वो कहती है, मैं ऐसे इशारों से बता रही थी कि मैं सारी रात सोचती रही हूँ कि ये हुआ है। और फिर एक लड़की ना मेकअप कर रही थी, जो पुरानी लड़कियाँ थी ना उनमें से, तो वो उसने आके अगले दिन सारा बताया कि इसने पहले ऐसे वो स्टिक थी ना, तो उसको उसने इशारे से बताया कि वो लंबी सी स्टिक इस तरह से खोल के, तो पहले वो लगाया, मतलब मैं पहले कंसील किया, उसने बताया कि इस ऑरेंज कलर से उसने ये कंसीलिंग की है, और फिर उसके बाद उसने वो स्टिक का किस तरह से लंबी सी खोल के वो लगाई है, उसके बाद उसने बताया कि वो स्पंज को वेट करके वो लगाया है। तो इस हांडी की तरफ भी ध्यान रखो, बड़े-बड़े समझदार होते हैं। चलो डालो जल्दी से, हाँ वो टमाटर भी और हरी मिर्च भी डाल दो। तो इतना मेरा दिल खुश हुआ ना, तो मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है कि इस तरह की बच्ची को मुझे काम सिखाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है। तो अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, उसके नसीब अच्छे करे परवरदिगार, और वह बहुत आगे जाए। आप लोग भी प्लीज़ उसके लिए खुशी दुआ कीजिएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की जाएगी आगे। मैं उसकी छोटी सिस्टर को बोल रही थी कि मुझे ऐसे लगता है कि ये आपको सिखाया करेगी, हालांकि जब वो आई है ना तो मुझे ये था कि चलो अगर मैं ना सिखा पाई तो इसकी सिस्टर जो है वो इसे सिखा देगी, लेकिन दो दिन के बाद मैंने मतलब ये जज किया है कि वो इसे नहीं सिखाएगी बल्कि ये उसको सिखाएगी छोटी वाली को। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, लेकिन अल्लाह ताला ने, मुझे नहीं समझ आई कि परवरदिगार ने जुबान जैसी नेमत से क्यों उसे महरूम रखा, इतनी सेंस दी उसे। मैं डालो ना हल्दी डालो। सबसे पहले प्याज लाइट ब्राउन करके, तो उसमें डाले टमाटर और हरी मिर्च, और महक अदरक नहीं डाली। लेके आओ जल्दी से, जल्दी जाओ जल्दी, चूल्हा स्लो करो, चूल्हा स्लो करो, भूल गई महक वीडियो के चक्कर में ना अदरक भूल गई। पहले आप, मैं इसमें अदरक डालूंगी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, पहले हल्दी डाल ली है, डेढ़ चम्मच डाल। मेरी सिस्टर हैं एक, जो मेरी वीडियो बड़ी रेगुलर वॉच करती हैं, अल्लाह ताला उनको अजर दे। उनका नाम है अनीला अदनान, तो बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, उनके चैनल का नाम भी आई थिंक यही है अनीला अदनान। तो आप लोग प्लीज़ उनके चैनल पर भी विज़िट करें, वो कुकिंग ही ज़्यादातर कर रही हैं उस पर, और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गाइड करती हैं, बड़ा प्यारा बोलती हैं, कूल सा उनका लहजा। तो आप लोग प्लीज़ उनके चैनल पे भी जाएं और उन के साथ भी जितना हो सके कोऑपरेट किया करें। ये तो आप सबको पता ही है ना कि YouTube पे इतना सख्त कंपटीशन चल रहा है कि हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर अपने अपने चक्कर में रहे ना तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, ईमानदारी तो हर वक्त ही चाहिए होती है, तो इस वक्त तो बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बस अगर हम ऐसा करें कि जी हम किसी को धोखे में रखें, जी फुल वॉच लिख दें कि हमने जी फुल वॉच कर लिया आपकी वीडियो, और की ना हो
सिर्फ लिख के अगले बंदे को सेटिस्फाइड कर दे और उसका वॉच टाइम जो उसे मिले ना, तो ये बहुत गलत बात है। आधी आधी चम्मच डाल प्लीज़। एक दूसरे का दिल से साथ दिया करें। यकीन करें कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर यूट्यूबर हैं ना, जितने जिनके चैनल्स हैं, जो रेगुलर मेरी वीडियो वॉच करते हैं, मैं टाइम निकाल के, मैं यकीन करें कि ये वो सब जानते होंगे कि मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ और मैं अच्छे अच्छे कमेंट करने की भी कोशिश करती हूँ। हालांकि मेरी बड़ी बिजी लाइफ है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मैंने सैलून भी है मेरा, मैंने वहाँ भी काम करना होता है, बच्चियों को सिखाना भी होता है, और कुछ पुरानी स्टूडेंट हैं, कुछ नई स्टूडेंट हैं, जो पुरानी हैं वो एडवांस में आ चुकी हैं, जो नई हैं वो भी बेसिक पे हैं, तो अलग अलग काम सिखाना होता है, दिमाग बहुत थक जाता है, तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती। लेकिन फिर भी यकीन करें कि मेरे जितने सब्सक्राइबर यूट्यूबर हैं, मैं उनकी वीडियोज़ वॉच करती हूँ, देखती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं कमेंट नहीं कर पाती, लेकिन यकीन करें कि ऐसा नहीं है कि जिसकी नोटिफिकेशन मेरे पास आई हो तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया हो, मैंने वॉच ना किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आप लोग प्लीज़ दिल में कोई बात ना लाया करें। और अगर कोई ऐसा मेरा बहन भाई है, मैं किधर ध्यान करो हांडी की तरफ, अगर कोई ऐसा है जो ये समझता है कि मैं उनकी वीडियो नहीं वॉच करती, उनको ये लगता है मैंने कभी कमेंट नहीं किया, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके मुझे बोल दिया करें बहन भाइयों की तरह, बजाय इसके कि अनसब करके चले जाएं। ये बहुत गलत रवैया होता है, इस तरह से मत करें। बहुत परेशान है सभी यूट्यूबर्स, स्पेशली जो नए लोग हैं जिनको अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सख्त कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो इस वक्त एक दूसरे के साथ की असर ज़रूरत है। यहाँ चुरा के लेके जा रहे हैं ये खिदमत कर रहा हूँ आप लोगों की है क्या बताएं तो सही। ये आटा 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 चोरी करके लेके जा रहे हैं। आटा चोरी रोटियां, मैंने सोचा रोटियां लगवा लूं, अभी नमाज का टाइम भी होने वाला है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, आज आप आटा खुद ही डाल के लेके जा रहे हैं। आटा महक ने गूंद के रखा था, तो हम लोग वीडियो बनाने में लागे हैं, तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि खुद ही बॉल में डाल के। तो हाँ चलो, मुझे नहीं पता था ना मैं पार्लर में थी, तो बड़ी मेहरबानी है जनाब इनकी के खुद ही डाल के ले गए जी। तो महक बाद में हांडी बना रही है, डालो डाल। हाँ भून गए, महक ने अच्छे से मसाला भून लिया, तो अब डालेंगे हम इसमें आलू गोभी। मोस्टली हम प्रेशर कुकर में ही बनाते हैं, लेकिन कल मैंने इसमें हांडी बनाई है 2-3 दफ़ा, तो बड़ा अच्छा टेस्ट रहा ना उसका। ये डॉक्टर शराफत अली साहब कहते रहते हैं कि कुकर में ना हांडी बनाओ, ना हांडी बनाओ, लेकिन हम लोग मानते नहीं हो, कहते हैं कि उसमें खाना गल सड़ जाता है, तो हम समझते नहीं हैं। वो तो कहते हैं कि मिट्टी की हांडी में, लेकिन चलो ये भी बेहतर है। ये देखे ना, ये हांडी के नीचे एक प्लेट लगी हुई है, तो ये अच्छी है, देर तक गर्म रखती है, तो खाना अच्छे से बन जाता है। तो महक फातिमा ने डाल दिया, महक मिक्स करो और हल्का सा पानी डाल के दम दे दो बस। तो इसे 5-7 मिनट दम दे के, तो हम भून के, तो ऊपर धनिया और ज़ीरा वगैरह डाल के, तो हम इसको उतार लेंगे और फिर खा लेंगे। हमारी रोटियां भी तब तक बन के आ जाएंगी। तो आपसे हम लेते हैं इजाज़त, महक की दोस्त भी आई खड़ी है, इसलिए महक बार बार ध्यान उधर जा रहा है। ठीक है महक फातिमा, आप लोगों से प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, या किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, या महक फातिमा अच्छी नहीं लगती किसी को, तो आप लोग वीडियो चला के छोड़ दिया करें, सवाब की खातर बस चला दिया करें, तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा। तो फातिमा लेती है इजाज़त आपसे, कैसे कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली वीडियो वक्त पर मिलती रहे। इसके साथ साथ मिलते हैं इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।